हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में। एज आई हैव मेंशन इन माय अर्लियर वीडियोस कि जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, उस टाइम आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क भी करना। और ये जो मैं आपको आज गोल्डन रूल्स बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। इतना सारा पढ़ने के बाद भी उनके आंसर सही नहीं होते, बिकॉज उन्हें बेसिक जो रूल्स हैं एनक्लेक्स के वही नहीं पता होते। जब आप ये रूल्स कर लोगे और इसके साथ आप प्रॉपर स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि आपके आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि आप जो एनक्लेक्स ने क्राइटेरिया दे रखा है, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। वैसे तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा इन गोल्डन रूल्स की, बट आज मैं आपको बताऊंगा तीन गोल्डन रूल्स के बारे में। फर्स्ट गोल्डन रूल इज, एनक्लेक्स हमें क्या कहता है, Never assume anything that has not mentioned in the question। मतलब हमें अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ना ही हमें कुछ एड ऑन करना है और ना ही हमें कुछ कम करना है। सेकेंडली, डू नॉट मेक अप ए स्टोरी टू वैलिडेट चूजिंग एन आंसर। अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी नहीं बनानी जो कि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी तरफ से स्टोरी बनाते हैं सो दैट वो वैलिडेट कर पाए जो ऑप्शन उन्हें लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट हैज जस्ट रिसीव 30 mg ऑफ मोरफिन बाय माउथ फॉर पेन, 5 मिनट लेटर ही वोमिट्स, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट। मतलब एक पेशेंट को पेन हो रही थी, उसे 30 mg मोरफिन दी, 5 मिनट के अंदर उसने वोमिट आउट कर दिया। अब नर्स सबसे पहले क्या करेगी, नर्स फिजिशियन को बुलाएगी या फिर नर्स उसे रीमेडिकेट करेगी, दोबारा से दवाई देगी, ऑब्जर्व करेगी एमिसिस को, या लास्ट ऑप्शन इज मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अब नर्स इन चारों में से क्या करेगी। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे इस रूल के बारे में नहीं पता, या जो स्टूडेंट इस रूल को अप्लाई नहीं करता, वो इसे कैसे गलती करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को वोमिट आउट हुआ। अब पेशेंट को वोमिट आउट हुआ मतलब पेशेंट वोमिट के साथ पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ होगा। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ मतलब पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम हुआ होगा, एंड पोटेशियम इज वेरी एसेंशियल फॉर आर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सेकेंडली, अगर वोमिट आउट हुआ है तो पेशेंट को मेटाबोलिक एल्केलोसिस हुआ होगा। मतलब एक तो पेशेंट को मेटाबोलिक एल्केलोसिस हो गया, सेकेंडली पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया। अब ये तो एक मतलब इमरजेंसी कंडीशन आ गई। मतलब अगर हम पेशेंट का पोटेशियम हम करेक्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में तो यार मुझे कॉल द फिजिशियन आंसर ही ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि फिजिशियन आएगा, वो पेशेंट की टैली मॉनिटरिंग करेगा, पेशेंट को जितना वो देना है पोटेशियम वगैरह देना है वो ठीक करेगा, जो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ वो करेक्ट करेगा। मतलब मैंने इस रूल को अप्लाई नहीं किया, अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाई और मैंने क्या क्वेश्चन सही कर दिया, ऑप्शन सही कर दिया फर्स्ट वन। बट इसका सही आंसर क्या है, ऑब्जर्व दी एमिसिस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पेशेंट को 5 मिनट में एक बार ही वोमिट आउट हुआ। अब उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि उस वोमिटिंग की वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ है, या उस वोमिटिंग की वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ है, क्योंकि एक वोमिटिंग में अब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं होता। वो तो हम जर्नली भी कर देते हैं ना, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो नहीं होता या हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस तो नहीं होता। तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही सेम टू सेम हमें एज्यूम करना है। अगर हम अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाएंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। इस कंडीशन में ये ऑप्शन क्यों सही है, ऑब्जर्व द एमिसिस। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो नर्स ना तो रीमेडिकेट कर सकती, ठीक है, ना तो नर्स खुद से मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, खुद से वो नहीं कर सकती। अब नर्स एमिसिस को ऑब्जर्व करेगी फॉर द कलर, कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी। मतलब कलर क्या है, वोमिट आउट में ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा, नर्स यही काम करेगी। अब जो पेशेंट को मेडिकेशन दी थी, ये तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट है, मोरफिन का कॉमन साइड इफेक्ट है वोमिटिंग। बींग ए नर्स, अगर मुझे ये बात पता होगी, अभी मैं मेडिकेशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो रेगुलर मेडिकेशंस आती रहती हैं एनक्लेक्स के में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट बींग ए नर्स मुझे ये बात पता होगी कि मोरफिन का एक साइड इफेक्ट है, जर्नली पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है। हाँ, अगर पेशेंट को ऐसा लिखा होता कि उस क्वेश्चन में एक दो तीन घंटे में 5 से 6 बार, 7 से 8 बार पेशेंट को वोमिटिंग होगी,
उस कंडीशन में हम मान सकते थे कि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ होगा या फिर हमें फिजिशियन को बुलाने की जरूरत है, बट एक ही वो मीटिंग में दैट इज कॉमन सेंस कि पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं हुआ होगा। सो हमें अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं करना, ना ही हमें कुछ उसमें से निकालना। नाउ गोल्डन रूल नंबर टू इज लीस्ट इन्वेसिव टू मोस्ट इन्वेसिव, मतलब कि सबसे पहले हमें वो प्रोसीजर करना है जो लीस्ट इन्वेसिव हो, उसके बाद अगर वो प्रोसीजर काम नहीं करता तो हमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, जितनी ज्यादा पेशेंट की बॉडी उसमें इंक्लूड करेंगे हम, उतनी ज्यादा ही हमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। सो हमें सबसे पहले लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, उसके बाद मोस्ट इन्वेसिव करना है। अब ये तो एक जर्नल चीज थी, इंडिया में भी हम फॉलो करते थे, जैसे पेशेंट को हेडेक हो रहा है हम पेशेंट को मेडिकेशन बाद में देते थे, पहले कुछ ऐसी थेरेपीज देते थे जिन्हें हम डायवर्जनल थेरेपीज देते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिकल थेरेपी वगैरह। सो ये एक एग्जांपल है, सबसे पहले लीस्ट इन्वेजिव देन मोस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर। सेकेंडली एनक्लेक्स क्या कहता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव टू मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। कीप इन माइंड जब आप डेवलप कंट्रीज में काम करते हैं, यहां पर रीस्टेन विदाउट फिजिशियन ऑर्डर इज इलीगल। हमें रीस्टेन करने के लिए फिजिशियन के रिटर्न ऑर्डर चाहिए और वो ऑर्डर हर एक 2 घंटे के बाद रिन्यू करवाने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम पेशेंट को रीस्टेन नहीं कर सकते और ये इलीगल होगा, हमारा लाइसेंस तक जा सकता है। सो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हाइपर हो रहा है हम उसे कुछ ऐसी थेरेपीज देंगे, उसका जो रूम है उसको लो स्टिमुलाई रूम बनाएंगे, साउंड वगैरह कम करेंगे, उसको प्राइवेट रूम देंगे। अगर ये चीजें काम नहीं करती फिर हम रिस्ट्रिक्टिव की तरफ जाएंगे, हम फिजिशियन से ऑर्डर लेंगे रीस्टेन का। फॉर एग्जाम्पल The client is 1 day postpartum and nurse notes that fundus is displaced laterally to the right. Which nursing intervention should be implemented first? मतलब एक दिन पहले क्लाइंट की डिलीवरी हुई, आज नर्स ने नोट किया कि उसका जो फंडस है वो थोड़ा सा राइट की साइड डाइवर्टेड है, नॉर्मली फंडस मिड लाइन होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि which nursing intervention should be implemented first? अब मैं आपको ये चीज बता दूं, जब भी ऐसा कुछ होता है इसका एक मेन रीजन होता है कि पेशेंट का ब्लैडर फुल है यूरिन की वजह से। अब अगर हम पेशेंट को यूरिनेट करवाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका जो ब्लैडर है वो नॉर्मल मिड लाइन पोजिशन में आ जाए। अब अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो ना करूं, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो ना करूं तो क्या होगा, प्रिपेयर टू परफॉर्म एन इन एंड आउट कैथेटराइजेशन, मतलब मैं वन टाइम कैथेटर यूज करूंगा उसका ब्लैडर एम्प्टी कर दूंगा। ऑब्वियसली ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि मैंने बताया जो ब्लैडर है उसका एक साइड डाइवर्ट होने का मेन रीजन क्या, उसका ब्लैडर में यूरिन है। सेकेंडली असेस द ब्लैडर यूजिंग द बाय द ब्लैडर स्कैनर, मतलब हम पेशेंट के ब्लैडर को स्कैन करेंगे, क्यों, ये देखने के लिए कि ब्लैडर में यूरिन है या नहीं है। थर्डली अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि पेशेंट के ब्लैडर में अगर यूरिन है तो पहले हम चेक कर सकते हैं। थर्डली हम क्या करेंगे, मसाज दी क्लाइंट फंडस फॉर 2 मिनट, ये थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसका मेन रीजन होता है यूरिन। लास्टली हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट द क्लाइंट टू द बाथरूम टू यूरिनेट। अब अगर मुझे ये प्रिंसिपल ना पता हो कि लीस्ट इन्वेसिव टू मोस्ट इन्वेसिव, बट मैंने अच्छे से पढ़ रखा है कि फंडस का एक साइड डाइवर्ट होने का मेन रीजन क्या है, उसमें यूरिन होना है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं सबसे पहले यूरिन को चेक करूं ब्लैडर स्कैनर से या पेशेंट को कैथेटर लगा के उसका यूरिन बाहर निकाल दूं या फिर पेशेंट को वॉशरूम में लेके जाऊं सबसे पहले। बट दोज हू नो, स्पेशली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, दे नो कि हमें सबसे पहले लीस्ट इन्वेसिव करना है, हम सबसे पहले पेशेंट को लेके जाएंगे वॉशरूम में, अगर वो यूरिनेट नहीं कर पाता किसी वजह से उसके बाद हम पेशेंट को क्या करेंगे, असेस करेंगे पेशेंट का ब्लैडर बाय ब्लैडर स्कैनर कि यूरिन है भी या नहीं। अगर तो यूरिन है फिर हम कैथेटर के साथ पेशेंट का यूरिन आउट कर देंगे, बट अगर इसमें यूरिन नहीं होगा, मतलब कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो वो प्रोसीजर्स में देख लेंगे। बट अगर आपको ये प्रिंसिपल ना पता हो तो आप 1, 2, 3 इन 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कीप इन माइंड अगर सेम
तीन वो दे रखे हैं सॉल्यूशंस एक उसके प्रोसीजर के, हमें सबसे पहले किसे चूज करना है जो लीस्ट इन्वेजिव है सो दैट पेशेंट्स में कम कॉम्प्लिकेशंस है। लास्टली गोल्डन रूल नंबर 3। अब इसमें कुछ हम करते हैं उल्टा, मैं आपको गोल्डन रूल नंबर 3 बताने से पहले हम एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, अगर मैं होता तो क्या करता। आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप भी मुझे बताना कि अगर आप होते तो क्या करते। द यूएपी टेस्ट द नर्स, क्लाइंट हैज ब्लड प्रेशर 78/46, पल्स इज 116, विच इंटरवेंशन शुड नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। मतलब यूएपी ने नर्स को बताया कि उसने क्लाइंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि बहुत ज्यादा कम था 78/46 और उसकी पल्स रेट भी बढ़ी हुई थी। अब नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी, सबसे पहले नर्स नोटिफाई करेगी एससीपी को इमीडिएटली। दूसरा, प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरबर्ग पोजीशन। अब टेंडरबर्ग पोजीशन क्या होती है, जिसमें हम हेड डाउन कर देते हैं और फीट को अप कर देते हैं सो दैट वाइटल ऑर्गन को ब्लड चला जाए क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया। थर्ड इज असेस द वाइटल साइन एंड लास्टली इज एडमिनिस्टर 0.9 NS IV इन बोलस। अब अगर मुझे ये तीसरा रूल ना पता होता जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको भी बताऊंगा, मैं कौन सा ऑप्शन चुनता। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता क्योंकि नर्स खुद से एडमिनिस्टर नहीं कर सकती कोई भी, क्योंकि NS इज इटसेल्फ ए मेडिसिन और RN के पास अथॉरिटी नहीं होती कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने की। सेकेंडली मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता क्योंकि मुझे ऑलरेडी नर्स ने बता दिया है कि ब्लड प्रेशर इतना कम है और मैं असेस करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। अब मेरे पास दो क्वेश्चन ऑप्शन बच गए, आइदर मैं नोटिफाई करूं एचसीपी को इमीडिएटली एक ऑप्शन क्योंकि यार ब्लड प्रेशर बहुत कम है। सेकेंडली या तो मैं प्लेस कर दूं क्लाइंट को टेंडरबर्ग पोजीशन में। अब अगर मैं होता मैं करता सबसे पहले क्लाइंट को प्लेस टेंडरबर्ग पोजीशन में सो दैट ब्लड प्रेशर कम है उसके वाइटल ऑर्गन को बचाया जा सके, उसके वाइटल ऑर्गन के पास प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो। उसके बाद मैं करूंगा नोटिफाई एचसीपी को। बट जो एनक्लेक्स है मेरे इन दोनों ही ऑप्शंस को कर देती गलत। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एनक्लेक्स कहती है असेसमेंट ऑलवेज कम बिफोर इंटरवेंशन। हमें सबसे पहले क्लाइंट को असेस करना है किसी भी इंटरवेंशन से पहले। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, यूएपी ने आके नर्स को बताया कि क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम है और हार्ट रेट या पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। नर्स ने खुद से असेस नहीं किया, एक तो किसी सेकंड बॉडी ने बताया और दूसरा यूएपी इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है जितनी कि नर्स खुद है। नर्स जब तक खुद से चेक नहीं करेगी तब तक वो कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगी। सो इस कंडीशन में राइट आंसर इज असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। नर्स दोबारा से फिर से वाइटल साइन असेस करेगी, हमें एक ही इंप्लीमेंटेशन पूछी है सबसे पहली इंप्लीमेंटेशन। सो कीप इन माइंड इन एनक्लेक्स असेसमेंट ऑलवेज कम बिफोर इंटरवेंशन। अब यूजली देखो अगर आपको ये रूल ना पता था तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है और अगर फिजिशियन ऑर्डर देता है तो आंसर ये भी सही है। अब हमने तो चारों चीजें ही पढ़ी हुई है क्योंकि जब आप कोई भी ऐसी कंडीशन के बारे में पढ़ोगे जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया हार्ट रेट बढ़ गया आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी कि हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है, हमें पेशेंट को टेंडरबर्ग पोजीशन में भी देना, हमें अगर फिजिशियन ऑर्डर करता है तो हमें पेशेंट को NS बोलस भी देना है क्योंकि नॉर्मल सेलाइन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। बट अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा आपका इतना ज्यादा हार्डवर्क किएगा कोई फायदा नहीं होगा, आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सो ये रूल आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं क्योंकि स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। सो थर्ड रूल इज असेसमेंट ऑलवेज कम बिफोर इंटरवेंशन। होप सो आपको मेरे ये तीनों गोल्डन रूल पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीन रूल और बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये एनक्लेक्स की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो एनक्लेक्स को प्रिपेयर करें। थैंक यू।